दोस्तों आप देखिए, एक इमेज है मेरे पास ये, जो कि काफी सारी डार्क इमेज है और पिंपल्स भी इसमें, दाग धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं। और फोटोशॉप 7.0 में मैंने इसको इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इसको क्लीन और समूथनेस किया है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने फोटोशॉप में इस तरह की इमेज को बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजीली तरीके से समूथनेस कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे एक इमेज है ये, इसमें कुछ पिंपल्स, दाग धब्बे वगैरह भी है। सबसे पहले हमें एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करनी है अपनी फोटो की। कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, नीचे वाली कॉपी हमारी बैकअप के लिए रहेगी। अगर ऊपर वाली कॉपी पे कुछ ज़्यादा फोटो खराब हो जाती है तो हम फिर से नीचे वाली पे काम कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस करेंगे, लेवल्स को ओपन करना है। कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो ये लेवल्स आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे इमेज को लाइट करेंगे। राइट साइड से ये पॉइंट पकड़ेंगे माउस से और धीरे धीरे लेफ्ट साइड में इस प्रकार से लेके जाएंगे, और बीच वाले पॉइंट को इस तरफ करेंगे थोड़ा। अगर ज़्यादा लाइटिंग हो जाए, जैसे इस इमेज में ये ज़्यादा लाइट हो चुकी है, तो इस पॉइंट को वापस इस तरफ लेके आएंगे और बीच वाले पॉइंट को इस तरफ लेके आएंगे। अब इमेज में हमें ब्लैकनेस की ज़रूरत है, तो ब्लैकनेस करने के लिए और कंट्रास्ट करने के लिए जो लेफ्ट साइड का पॉइंट है, इसे माउस से पकड़ के राइट साइड की तरफ करेंगे, तो आप देखेंगे फ़ोटो को इस तरह से कंट्रास्ट मिल जाएगा और फोटो में ब्लैकनेस भी आ जाएगी। इस तरह से हम इसको यहाँ से लाइट कर सकते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन से, लेवल्स के ज़रिए। और नीचे इसमें आउटपुट लेवल्स रखेंगे, आप देखेंगे कितना आपको आउटपुट लेवल चाहिए, वो यहाँ से आप रख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे सेट करके इमेज के अनुसार कलर को, और फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपकी बैकग्राउंड प्लेन हो, मैजिक टूल लेके प्लेन बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबा के पूरी बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट में जाके फेदर पे जाएंगे और यहाँ से 3 का फेदर रख के ओके करेंगे, और कंट्रोल एम करके बैकग्राउंड को डार्क करेंगे इस प्रकार से, तो आप देखेंगे फ़ोटो हमारी अलग से उभर के आएगी इस प्रकार से, और ओके कर देंगे। कंट्रोल डी से डिसलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे अभी इसमें कुछ ये पिंपल्स, दाग धब्बे वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हम बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं। टूल बॉक्स से पेंच टूल लेंगे और इस तरह से सिलेक्शन बनाएंगे, और माउस से पकड़ के क्लीन जगह पे रखेंगे इसको इस प्रकार से। इस प्रकार से हम जो ये दाग धब्बे हैं इनको बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं, इस तरह से इनको हटाएंगे। छोटे मोटे दाग धब्बे हम पेंच टूल की सहायता से बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करेंगे और फिल्टर लगाएंगे, यहाँ पे फिल्टर में जाके इमेजनोमिक पे जाएंगे, यहाँ से पोर्ट्रेचर टूल पे जाएंगे, और आपका फोटो अगर यहाँ पे इस टूल में इस तरह से दिखाई दे सिंगल, तो यहाँ से डबल कर सकते हैं प्रीव्यू देखने के लिए। आप देखेंगे लेफ्ट वाली ये वाली ओरिजिनल है, और ये वाली फ़िल्टर लगने के बाद की इमेज है। यहाँ से आप फिल्टर को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, स्मूथनेस आपको कितना रखना है और सॉफ्टनेस आपको कितनी देनी है फ़ोटो के अंदर, वो यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। वार्थ यहाँ से कितना रखना आपको, और ब्राइटनेस कंट्रास्ट भी यहाँ से कर सकते हैं इस तरह से करके, और फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अभी आप देखिए ये हमारी अभी की इमेज है, जो कि हमने एक ही टूल के ज़रिए तैयार किया है, और पहले वाली इमेज हमारी ये वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना फ़र्क है इसमें और इस इमेज में। तो इस तरह से हम फोटोशॉप 7.0 में बहुत ही आसानी से इस तरह की फ़ोटो ठीक कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।